मैं सुबह गई थी उसे लेने, पता नहीं मैंने सही किया या नहीं, शायद उसे एक और रात वहां रहने देना चाहिए था। सॉरी, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप उसकी बहन हैं, आप सही फैसला लेंगी। मैं अब तक नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए मिस्टर कादर। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि अगर शफाक मेरा भाई नहीं होता तो उसे क्या सजा होती। मुझे लगता है उसे निकाल देना चाहिए हमें। ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। ये सोचने से पहले हमें सलीम के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। पुलिस भी सिलसिले में काम कर रही है। शायद अब सही है। शफाक ने मुझे पागल कर दिया है। देखा ना क्या किया उसने। खैर, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मुझे वो टीचर के बारे में जानना था। कौन से टीचर? मेरी जगह जो आने वाले थे। हाँ, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। नहीं कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा था। टीचर ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब तक कोई मिला नहीं है मुझे। एक मिले थे, लेकिन उनकी कंडीशंस हमसे नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस तुर्कान, अगर आपको लगता है वक्त के साथ मेरा फैसला बदलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैंने तय कर लिया है। जानती हूँ मैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम मिस्टर कादिर। हम आपका और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। जितना जल्दी होगा हम नया टीचर ढूंढ ही लेंगे। थैंक यू वंस अगेन। मॉम ने जबरदस्ती भेजा था मुझे, मैंने तो एक शब्द नहीं कहा उनसे। मेरी बात सुनो तुम, अब से तुम उनके ऑफिस या घर मुझे बताए बिना नहीं जाओगे, समझे तुम? वो मेरे छोटे भाई, तुम बच्चे हो अभी, तुम उन लोगों को नहीं समझते वो कैसे लोग हैं। एक दिन तुम ही मुझे वहां जाने के लिए थैंक यू बोलोगे, देखना। नहीं बोलूंगा, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा मैं। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? अपना काम करो और दूर चले जाओ। मैंने जो कहा वो सुना तुमने? मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। ठीक है, चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से। मैं तो मॉम को भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा हूँ, वो हमेशा इज़मीर की बात करती रहती है। तुम देखना, हम जाकर लोगों को सब सच बता देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे हम। तुम्हें क्या लगता है सच बोलना इतना मुश्किल है? सच हमारे रगों में दौड़ रहा है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? चेतावनी दे रहा हूँ मेरे भाई। मैं भी चेतावनी दे रहा हूँ। देखो मिस्टर हायरी बहुत अच्छे आदमी है, अगर उन्हें गुस्सा आया तो ना तुम बचोगे ना ही मैं, और फिर मुझसे जो पैसे लिए हैं ना तुमने वो सब चले जाएंगे, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, समझे? तुम्हें मिस्टर हायरी से इसलिए डर लगता क्योंकि तुम उन्हें संभाल नहीं सकते हो। मैं उन्हें संभाल सकता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। मुझे पता है किसको कैसे हैंडल करना है, तुम देखना। तुम्हारा भाई क्या करता है? ऐसी जिंदगी दूंगा तुम्हें जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, देखना। अहमद, कहाँ चले गए थे? मैं बाहर जादू कर रहा था। मजाक था डियर, मैं गार्डन में था और कहाँ जाऊंगा। ठीक है,
क्लास जल्दी खत्म हो गई है तो मैं थोड़ा सामान लेने जा रही हूँ। ठीक है, क्या सामान लेना है? कुछ खास नहीं, बस कपड़े और कुछ किताबें। मैं बोर हो जाती हूँ, आज कुछ वक्त मिला है तो। ठीक है, हम फिर बाद में मिलते हैं। शाम को मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। बेटा, क्या तुम सलीम के स्कूल के दोस्त हो? मुझे यकीन है सलीम उठ जाएगा। हमारा प्यार उसे जरूर जल्दी ठीक कर देगा, देख लेना तुम। इसे कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। देखने आए हो? मेरे सामने से हट जाओ सुले, बकवास मत करो, मेरा दिमाग पहले से खराब। तुम बहुत डरपोक हो और अपने पापा के पैसों पर घमंड करते हो। और तुम्हारा क्या? हाँ, तुम एक आवारा लड़की हो जो हर लड़के के पीछे भागती रहती है। बिल्कुल नहीं, कोशिश भी मत करना। ये पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह मत करना मेरे साथ। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, ये एक्टिंग मेरे सामने मत करना। वो जो अंदर तुम्हारा आशिक है ना, उसके सामने करना जाकर। तुम्हें लगता है दुनिया में सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो, है ना? हाँ बिल्कुल लगता है मुझे, मैं हूँ इम्पोर्टेंट। जब से वो लड़का स्कूल में आया है तुमने उसका इस्तेमाल किया मुझे जलाने के लिए, और अब यहाँ अगर ऐसा दिखा रही हो जैसे तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम्हें लगता है तुम ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सच्चाई मुझे पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं तुम्हें नहीं जला रही थी। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता तुमसे। सफ़क तुम्हें पता है तुमसे किसी को फर्क नहीं पड़ता, समझे तो? मेरी बेइज्जती करने से पहले दो बार सोचना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। और एक और बात, तुम मुझे पहले जितनी अच्छी नहीं लगती हो सूले, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे कोई भी शर्म नहीं आएगी, समझी? बात दिमाग में जा रही है? वो जाग जाए तो उसे कह रहे मुझसे पंगा ना ले, वरना उसे जान से मार दूंगा। और इस बार कादिर टीचर भी उसे बचा नहीं पाएंगे, समझ आ रही है बात?
से दीदी। आओ बेटा, मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी, क्या करूं, उम्र हो गई है ना। एक मिनट रुको जरा। शुक्रान, देखो बेटा कौन आया है। देखो शुक्रान डियर, कैसे हो तुम, मुझे पहचाना ना। कौन है ये? ये मैं हूं। मेरी प्यारी सुकरान, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या हुआ? मैं तुम्हारी फोटो लूं? ठीक है, वहां खड़ी हो जाओ। स्माइल 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 प्लीज। अपने हाथ खोलो, ऐसे अपने हाथ दिखाओ। बस ये ठीक से काम कर रहा हो, वरना हम दूसरी फोटोज लेंगे, ठीक है ना। कादिर टीचर, चलिए फिर मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप यहीं पर रुकिए, मैं कार लेकर आता हूँ। अहमद, रहने दीजिए। ठीक है, आप ठीक तो हो ना, लगता है आप परेशान हैं। आई नो टीचर भी कह रही थी कि अब आप उनके साथ अच्छे से बात नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। फातिमा नूर ने कहा था कि आपको डिनर पर बुलाने के लिए, क्या आप आ सकते हो? आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये मेरी बीवी का ऑर्डर है, उसने मुझे बताने को कहा है। हम एक ही जगह जा रहे हैं, आपको छोड़ देता हूँ मैं, और आपकी बेटी से भी मिल लूंगा, उस दिन मिल नहीं पाया। मेरी बेटी घर पर नहीं है, स्कूल में। मतलब आप मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहते, सही कहा ना मैंने? ऐसा नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि मेरी बेटी घर पर नहीं है। ठीक है, आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। खैर, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। अरे वाह, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कादरी टीचर। तुम नहीं जानते, तुम मेरी लॉटरी की टिकट हो। ऐसी लॉटरी जो एक बार लगी तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। यहाँ एक बादल बनाते हैं, देखो कितना छोटा सा बादल है। घर को किस कलर से पेंट करोगी? पर्पल, परफेक्ट। करो। ऐसे जिद करना बंद करो, मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम परेशान हो। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा।
उससे बात करके समझाने की कोशिश करो ना। नहीं बिल्कुल नहीं, वो बेशर्म है, नहीं समझेगी। वो अपने पति के साथ यहाँ आई। क्या ऐशे, तुर्कान ने उसे बुलाया था। मुझसे कुछ मत कहो बसरी, हम उससे अपनी बेटी की तरह समझते थे। ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। उसने कादिर को बहुत परेशान किया, मैं उसे माफ कर भी दूं, लेकिन सबाहत वो कभी माफ नहीं करती उसे, तुम जानते हो ये। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? आखिर तुम उससे बात क्यों नहीं करती हो? गलत फहमी दूर हो जाएगी। मुझे बस बुरा लगा है बसरी। अपनी फातिमा और दीदी के साथ खेल रही थी। आयशे दीदी कहाँ हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओ आयशे, मुझे अब चलना चाहिए। मैं ये ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकती हूँ, ये तुम्हारा ही है। सुकरान डियर, अब मैं जा रही हूं, ठीक है? मुझे जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। सुकरान डियर, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? शॉपिंग कर रही हूँ। क्या खरीदा तुमने? अभी कुछ नहीं, बस देख रही हूँ क्या लूंगी। ओके, कहाँ हो तुम? मैं आ जाता हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं रहने दो, मैं खुद आ जाऊंगी अहमद।
ओके डियर। अगर हर रात भूखे सोओगे तो बीमार पड़ जाओगे तुम कादिर। दीदी शांत हो जाओ, मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। क्या हुआ है आपको? वजह फातिमा नूर है। क्या वो रोज आएगी इस घर में कादिर? दीदी वो सुकरान के लिए घर आती है। ऐसे ये बच्चे के लिए अच्छा है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आए, बिल्कुल नहीं चाहती कि वो हमारे घर आए। ऐसे ये फातिमा नूर से मिलना चाहती है। ठीक है फिर, अगर वो आएगी तो मैं चली जाऊंगी, तुम लोग बच्ची का ध्यान रखना। ठीक है, मैं उसके पति से बात करूंगा, फिर वो कभी नहीं आएगी। मुझे उल्लू मत बनाओ कादिर, कौन से पति की बात कर रहे हो तुम? कितनी आसानी से कह दिया तुमने, कितनी आसानी से भूल गए तुम लोग सब कुछ। ऐसे हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना, अब ये बातें दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन लेकिन तुमने उसका कैमरा वापस कर दिया, हम उसे फातिमा नूर की याद समझ के रखे हुए थे। ऐसे दीदी ये आप क्या कह रही हैं? वो कैमरा उसके दादाजी का था, या हमारे घर में उसका क्या काम? तो उसे मेरी मौसी की अंगूठी भी लौटानी चाहिए कि नहीं? अभी आती हूँ। तुम्हारा दरवाजा बंद था? हाँ, मैं चेंज कर रही थी इसलिए बंद किया था। तुम क्या लेकर आई हो, मुझे देखना है। कुछ नहीं, कुछ खास मिला ही नहीं। क्यों? कोई रीजन नहीं है, इसलिए। अहमद ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे फातिमा नूर? अहमद, तुम्हारी फैमिली को डिनर पर बुलाए। ओके, लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे लिए घर खरीदा, हम यहां शिफ्ट हो गए और हमारी शादी हो गई। ठीक है, मैं अगले हफ्ते बुलाती हूँ उन्हें। और अगले हफ्ते नहीं, कल ही बुलाओ। लेकिन कल मेरी एक मैं बहुत जो कह रहा हूँ वो करो फातिमा नूर, मुझे और देर नहीं करनी। अगर तुम चाहो तो मैं कॉल कर देता हूँ। कॉल तो कर सकता हूँ ना? नहीं, मैं कॉल करके बता दूंगी। मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। तुम कुछ खाओगी? दुर्गान, क्या हुआ? सलीम कहाँ है? अब वो ठीक है, वो रूम में ही है। डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अंदर नहीं जा पाई,
पता नहीं उसे कैसे फेस कर पाऊंगी मैं। मुझे डर है कि वो मुझे गलत ना समझ बैठे, उसे ये ना लगे कि मैं उससे इस्तीफा की सिफारिश करने के लिए आई हूं। ओके, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। मैं यही इंतजार करती हूँ। कहाँ है वो? हॉल के पास है। आओ बेटा, आओ, वेलकम। थैंक यू सो मच। तुम्हारे कादिर टीचर हमेशा यहाँ इंतजार करते थे। थैंक यू टीचर। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ टीचर, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। ये नॉर्मल है, डॉक्टर ने बताया हमें। शुक्र है मेरा बेटा उठ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मिस तुर्कान का, वो भी यहाँ थी, बहुत मदद की उन्होंने सच में। कोई बात नहीं, तुर्कान टीचर भी यही है ना, दादी ने बताया था। हाँ यही है टीचर। वो क्या है ना दादी, मुझे टीचर से बात करनी है। तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ, मेरी थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन टीचर? स्कूल में झगड़ा हुआ था, तुम कैफेटेरिया में बैठे थे और सफाक ने आकर तुम्हारे सिर में बोतल फोड़ दी। मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद चोट लगने की वजह से। सफाक को पुलिस स्टेशन ले गए हैं, उसकी पूछताछ जारी है। तुम्हारे दोस्तों का कहना है क्योंकि तुम सूले के साथ बैठे थे इसलिए। समझ गया टीचर। सलीम, प्लीज इसे खून की लड़ाई मत बनाना। अब तुम कोई भी गलत कदम मत उठाना सलीम। देखो तुम्हारी दादी बहुत परेशान है, उन्हें और परेशान मत करना। ओके? हाँ ठीक है टीचर। अब तुम आराम कर लो, मैं कल वापस आता हूं, फिर हम साथ में घर चलेंगे। हाँ बिल्कुल टीचर, जल्दी ठीक हो जाओ। अरे तुम जा रहे हो बेटा? हाँ लेकिन मैं कल वापस आऊंगा ना किमेची। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे पोते के पापा की तरह फर्ज निभाया है उसके लिए। मैं दुआ करूंगी तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा खुश रहें। शुक्रिया। आप बच्चों का अच्छे से ख्याल रख लेते हैं, मुझे पूरा यकीन है। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। हाँ बिल्कुल, सलीम का मेरे सिवा और कोई नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब आप हमेशा रहेंगे उसके साथ। आप चिंता मत कीजिए। कैसा है वो? ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मिस तुर्कान आप ठीक तो हैं? मैं डर गई थी। जब वो बेहोश हुआ तब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। ठीक है। मुझे लगा कुछ गलत ना हो जाए। ठीक, शांत हो जाइए, कम डाउन।
तुमने अभी तक पापा से बात नहीं की ना? क्यों, क्या हुआ? बताओ तो। मांगे तो लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए ना। अब तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? निहाद डियर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इस तरह की ट्रिक्स मेरे ऊपर मत ट्राई करो। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने पापा से बात की या नहीं, लेकिन तुम ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे साफ साफ बताओ ना निहाद। हाँ सेना, उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब खुश हो? जैसा कि तुमने कहा, वो मुझसे सिर्फ नौकरों की तरह पूरे टाइम बस काम ही करवाते रहते हैं और मुझसे अच्छी तरह बात भी नहीं करते। साथ ही साथ वो मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। हो गया, अब खुश हो तुम? निहाद, निहाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी दुश्मन हूं क्या? और यहाँ देखो, मुझे भी तो चिंता है ना तुम्हारी, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे बच्चों के पापा भी हो तुम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते और क्या कहते हैं। तुम हमारे लिए सब कुछ हो, हम एक फैमिली हैं। तुम मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सुख में भी और दुख में भी, हमेशा। तुम देखना, मैं उनका सामना करूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। मुझे पहले थोड़ा और स्ट्रांग बनना है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखना तुम, तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। मेरे पापा भी समझ जाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। हम इसी वक्त स्कूल जा रहे हैं। आज तुम्हें डिसिप्लिन कमेटी के पास जाना है। अपना डिफेंस तैयार कर लेना। अपनी कीमत बताओ। फिलहाल मैं 1.5 लाख से काम चला। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा भाई जो है उसकी वजह से इतने पैसे तुम्हें आराम से दे दूंगा? भाई नहीं, बेटी की वजह से। एक दिन आप मेरे पास होते हैं, दूसरे दिन दूर चले जाते हैं। आपका इरादा क्या है, प्लीज आप मुझे बताएंगे? जब मैं वहाँ नहीं हूँ तो कहानी सुनना बहुत आसान है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो आज शाम को मेरे पास आ। Yeah।